तो ये जो पीछे मेरी डर्ट की हाउस दिख रही है ना, मैं इसको आज चेंज करने वाली हूँ और यहाँ पे बनाने वाली हूँ वुडन हाउस। मैं कब से सोच रही थी कि ये डर्ट हाउस में कब तक रहूंगी, थोड़ी तो आगे बढ़नी चाहिए ना। तो चलो थोड़ा सा डर्ट साफ कर लेते हैं और साथ में ले लेते हैं ये हमारा वुडन डोर जिसको मैं तोड़ रही हूँ पिकैक्स से, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। और साथ में डर्ट को भी तोड़ते हैं, डर्ट को तोड़ेंगे और इसके जगह में वुडन हाउस बनाएंगे। तो आज तो बहुत मजा आने वाला है और ये सब को डर्ट को हम लोग फटाफट से तोड़ लेते हैं। तो ये देखो मैंने ये पूरा एरिया क्लीन कर लिया। मैं सोच रही हूँ कि ये जो विलेज है इसके जस्ट बाजू में यहाँ पे मैं घर बनाऊँ। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं घर को। मैंने हाथ में ले लिया है ओकवुड प्लैंक और ओकवुड प्लैंक को मैं लगा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि 13x9 का मैं हाउस बनाऊँ। तो मैं 13 ब्लॉक्स पहले यहाँ पे लगा देती हूँ, उसके बाद में 9 ब्लॉक्स वैसे लगाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग 9 ब्लॉक्स लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 और दोनों साइड में मैं और ऐसे प्लैंक लगा रही हूँ। और ये फाइनली हो गया। तो हमने चारों तरफ लगा लिया है प्लैंक। अब मैं इसके ऊपर में 4 ब्लॉक्स प्लैंक लगाऊंगी। तो ये 4 ब्लॉक लगा लिया है। अब इसको हमें चारों तरफ लगाना है और इसे एकदम पूरा गुफा बना देना है। वैसे आप लोग सब मुझे कमेंट्स में इतना बोल रहे थे कि दीदी आप अपना हाउस को बनाओ, आप लोगों को पहली वाली वीडियो में मेरी बहुत अच्छी लगी थी ये वाली, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज घर को ही वापस से चेंज करते हैं सर्वाइवल वर्ल्ड में। तो मैंने ये लगा दिया है प्लैंक को, आप लोग देख सकते हो ये ऐसी दिख रही है। तो ये देखो हमारा अभी हाउस ऐसा दिख रहा है। अभी हमें आगे में बहुत कुछ लगाना है, डोर लगाना है और भी कुछ लगाना है। तो ये मैंने डोर लगा दिया और डार्क वुड लॉग लगाया ऐसे। तो मैं ये स्टेयर ले ली हूं और ये स्टेयर को हमें इस तरीके से ऐसे लगाना है उल्टा करके, और ये सेम टू सेम हमें इस साइड में लगाना है। तो यहाँ पे भी मैं एक स्टेयर और लगा देती हूँ। तो मैंने लिया है कुछ स्लैब्स और स्लैब्स को मैं आगे में यहाँ फ्रंट में लगा रही हूँ जिससे लुक बहुत अच्छा आए। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे स्टेयर्स लगा देते हैं जिससे हम लोग ऊपर जा सके और सेकंड फ्लोर बना सके। तो यहाँ पे स्टेयर लगाते हैं और नीचे में थोड़े से प्लैंक लगाते हैं जिससे हमारी स्टेयर एडजस्ट हो सके उसके ऊपर में। तो यहाँ स्टेयर मैंने लगा दिया है और ये ऐसी लुक दे रही है। यहाँ बीच में मुझे ये स्लैब को तोड़ना पड़ेगा, ये दोनों स्लैब को तोड़ देती हूँ। इधर मैं प्लैंक लगा देते हैं और इसके ऊपर लगा देते हैं स्टेयर को। तो आप देख सकते हो ये ऐसी दिख रही है। तो ये जो स्पेस है इसको फिल कर देते हैं प्लैंक से। तो मैं इस सबको प्लैंक से फिल कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जैसे जैसे हम लोग आगे सर्वाइवल वर्ल्ड में जाते रहेंगे और घर को और भी ज्यादा मॉडिफाई करते रहेंगे, मैं सोच रही हूँ कि मैं इंटीरियर भी बनाऊँ अपने घर के लिए जिससे मेरा घर बहुत ज्यादा सुंदर भी लगे। तो इसको मैं कंप्लीट कर देती हूँ और ये ऐसा दिख रहा है। तो चलो चलते हैं नीचे में और बनाते हैं विंडोज को। हमारे घर में वेंटिलेशन भी तो होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ विंडोज बना लेते हैं। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे 4 ब्लॉक्स तोड़ दूँ तो विंडो काफी बड़ा लगेगा और काफी ज्यादा रोशनी भी हो जाएगी हमारे घर के अंदर। और यहाँ पे भी मैं 4 ब्लॉक लेती हूँ। हाँ ये सही लग रहा है। अभी हमें चलना है दूसरे साइड में और वहाँ पे भी बनाना है विंडो को। विंडो बनाने के लिए मुझे सैंड की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो सैंड भी हमें लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सोच रही हूँ मैं 2-2 ब्लॉक तोड़ू, ज्यादा बड़ा करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि एक साइड से मैंने ऑलरेडी तोड़ ही लिया है। तो यहाँ से अभी हम लोग चलते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर में, आप लोग को दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। अरे यहाँ पे एक प्लैंक लगा हुआ, इसको तोड़ देती हूँ और आप लोग देखो ये कैसा लग रहा है। काफी सही लग रहा है मुझे तो। ओ यहाँ पे ये प्रोपोर्शनेट सही नहीं है, तो यहाँ पे ब्लॉक लगा देती हूँ और ये जो बीच वाला इसको तोड़ देती हूँ। अभी सही लग रहा है ना। तो चलो चलते हैं ऊपर और ऊपर में बनाते हैं हमारा घर। तो मैंने ये लॉग ले लिया और लॉग को मैं लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं 8 लॉग लगाने वाली हूँ। तो ये देखो मैंने लगा लिया लॉग को। मेरे पास कुछ और लॉग है नहीं तो मैं और लॉग लेके आती हूँ। चलो ट्री को कट करके आते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। काफी ढूंढने के बाद मुझे ये स्प्रूस लॉग मिल गया है। ये जो स्प्रूस लॉग है मेरे फार्म के पास में है। मुझे मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे इतने ज्यादा स्प्रूस लॉग है। तो अभी सारे स्प्रूस लॉग ले लेते हैं और ट्री के जो नीचे से ट्रंक है उन सबको तोड़ देते हैं और सिर्फ लीव्स छोड़ देते हैं। मुझे काफी लॉग चाहिए तो मुझे काफी ट्री तोड़ना पड़ेगा। तो मैंने काफी लॉग्स कलेक्ट कर लिए, 64 लॉग्स है मेरे पास में। अभी इन सबको लगाते हैं। मैं यहाँ पे सोच रही हूँ जो वॉल हम लोग बना रहे हैं वी शेप में बनाएं और उसके ऊपर में लगाएं स्टेयर। तो एक एक करके मैं ये स्टेयर को लगा रहती हूँ। यहाँ साइड में भी एक और स्टेयर हमें लगाना है, तो ये स्टेयर को लगा देते हैं। इस साइड में भी स्टेयर लगा देते हैं। मैं नीचे उतर के आप लोग को दिखाती हूँ कि ये कैसी दिख रही है। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने ऐसा कुछ बनाया है। और इस साइड में भी मैं स्टेयर्स लगा देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग स्टेयर लगा देते हैं। ये बीच में से लुक अच्छा नहीं आ रहा है तो ये स्टेयर को मैं तोड़ देती हूँ। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे एक स्लैब लगा देते हैं जिससे काफी लुक अच्छा है। और इन सब के नीचे में थोड़े और स्लैब लगा देती हूँ इनको थोड़ा मोटा मोटा करने के लिए जिससे डिजाइन अच्छा लगे।
तो आप लोग देख सकते हो कि ये ऐसी दिख रही है। तो इस तरीके से मैंने दोनों साइड में वॉल बना लिया। अभी दोनों वॉल को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। तो मैंने ये स्टेयर ले लिया और स्टेयर को हमें इसी तरीके से लगाना है और दोनों साइड से कनेक्ट कर देना है। तो ये देखो, ये ऐसा दिखेगा। अभी मैं सारी स्टेयर लगा देती हूँ और आपको कम्प्लीट करके दिखाती हूँ। तो गाइज ये देखो, ये ऐसा दिख रहा है। तो अभी चलो इसको और कम्प्लीट करते हैं। और मुझे चाहिए फैंस, तो मैं फैंस लेके आती हूँ। तो ये फैंस को मैं ऊपर सीढ़ियों के पास लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऊपर से काफी जंप कर रही हूँ और मेरा हर्ट कम होती जा रहा है। तो इसके प्रोटेक्ट के लिए मैं यहाँ पे फैंस लगा देती हूँ और काफी लुक भी अच्छा आएगा, आप लोग देखना। तो ये सारे फैंस को हम लोग लगा लेते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है फैंस लगा के। एक तो फैंस से हम लोग अपने एनिमल्स को बंद कर देते हैं और अपने आप को गिरने से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये फैंस को मैं लगा देती हूँ। तो एक फैंस यहाँ लगा देते हैं और इस साइड में वेलकम करने के लिए और फैंस लगा देते हैं। तो ये काफी सही लग रही है। तो चलो अभी बनाते हैं विंडो। विंडो बनाने के लिए अभी हमें चाहिए सैंड। तो मैं चेक कर ली, तो हमारी चेस्ट में सैंड है कि नहीं है। तो मेरे चेस्ट के अंदर में कोई सैंड ही नहीं है। तो चलो अभी हम लोग सैंड लेके आते हैं। तो इन सब सैंड को मैं कलेक्ट करूंगी और इन सब से बनाऊंगी विंडो, और उसके बाद में हमारा घर का लुक और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये सारे सैंड को कलेक्ट कर लेते हैं। वाओ, यहाँ पे बैम्बू ट्री भी है, तो बैम्बू ट्री को भी हम लोग यूज करेंगे बाद में। अरे इतने सारे वीट ग्रो हो गए, आप लोग मेरे फार्म देख सकते हो। यहाँ पे इतनी सारी वीट्स है, कैरेट्स है। आप लोगों को मैं अपने एनिमल्स भी दिखाती हूँ, मेरे एनिमल्स कितने सारे हो गए हैं। और मैंने पता है शिप में इतने बहुत सारे कलर्स भी कर दिए फ्लावर्स से। और मुझे लामा के लिए एक और उसकी नई फ्रेंड भी मिल गई है। ये घर मुझे पीछे से सही नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले फ्लोर का कलर थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। मतलब डार्क वुड का प्लैंक मुझे ऊपर वाले फ्लोर में लगाना चाहिए। तो यहाँ से मैं सोच रही हूँ ये ऊपर वाले फ्लोर में डार्क वुड प्लैंक लगा दूँ। अभी सारे प्लैंक्स को मैं तोड़ देती हूँ और इसके जगह में डार्क वुड प्लैंक लगा देती हूँ। सेम चीज मैं आगे में भी तोड़ के डार्क वुड प्लैंक लगाऊंगी। मेरे हिसाब से लुक अच्छा ही आना चाहिए, खराब तो नहीं लगना चाहिए। बनने के बाद देखते हैं कैसी दिख रही है। तो गाइज ये ऐसे कंप्लीट हो गया है और ये अंदर से भी इस तरीके से दिख रहा है। अभी चलो चलते हैं नीचे और देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। हाँ काफी सही लग रहा है, मुझे काफी सही लगा है। चलो चलते हैं ग्लास को बनाने के लिए। और भी मुझे काफी आइटम बनाना है, तो बनाते हैं। सैंड को मैंने रख दिया है और यहाँ पे मुझे कुछ ट्रैप डोर बनाना है। ट्रैप डोर बना लेते हैं, स्लैब्स बना लेते हैं, कुछ डोर बना रही हूँ। तो ग्लास भी हमारी बन चुकी है, तो चलो यहाँ पे लगाते हैं ग्लास को। वाओ ये काफी सही लग रहा है। और इधर में भी हम लोग ग्लास लगाते हैं, लुक तो काफी सही आ रहा है इसका। तो उस साइड में भी जो हमने विंडो तोड़ी थी, यहाँ पे भी ग्लास लगा देते हैं। इधर में भी दो ग्लास लगा देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ऊपर में भी काफी अंधेरा था, तो वहाँ पे भी मैं विंडो बना देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग तोड़ लेते हैं इस प्लैंक को। तो यहाँ लगा देते हैं ग्लास और साथ में डोर को भी मैं लगा देती हूँ। इस साइड में एक और विंडो बना देती हूँ और लगा देती हूँ ग्लास। अंदर में भी एक और विंडो बनाते हैं, तो अंदर चलते हैं। और यहाँ मैं सोच रही हूँ सामने यहाँ विंडो बना, दो लॉक तोड़ते हैं और इसकी जगह ग्लास लगा देते हैं और चलते हैं बाहर। तो मैं सोच रही हूँ ये डोर के साइड में भी विंडो बना दूँ। तो यहाँ पे विंडो बना रही हूँ मैं, टू ब्लॉक्स तोड़ रही हूँ और इसकी जगह ग्लास लगा रही हूँ। और ये सेम चीज मैं इस साइड में भी करती हूँ। यहाँ पे टू ग्लासेस लगा दिया मैंने। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ये ऐसे दिख रही है, मुझे थोड़ी सी इनकम्प्लीट लग रही है। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे चिमनी भी बना दूँ, तो चिमनी बनाते हैं। चलो चढ़ते हैं ऊपर में और यहाँ पे बनाते हैं चिमनी को। तो मैं ऊपर रूफ में आ गई और यहाँ पे दो प्लैंक तोड़ देते हैं और इसकी जगह में मैं लगाने वाली हूँ कोबल स्टोन। तो मैंने कोबल स्टोन लगा दिया। कोबल स्टोन के ऊपर में ट्रैप डोर लगा देते हैं। एक ट्रैप डोर लगा दिया, सेकंड ट्रैप डोर लगा दिया। अरे काफी उछल उछल के मुझे ट्रैप डोर लगाना पड़ रहा है। एक यहाँ लगा देते हैं और ये कंप्लीट कर दिया मैंने ट्रैप डोर लगाना। अभी सबको तोड़ के चलते हैं नीचे में और देखते हैं बाहर से कि किस तरीके से दिख रहा है हमारा हाउस। चिमनी सही लग रहा है कि नहीं। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि हमारी चिमनी ऐसे ही दिख रही है, बट पता है ऊपर से धुआं ही नहीं आ रहा है। मुझे उधर में कैंप फायर लगाना पड़ेगा, मैं कैंप फायर कैसे भूल गए। तो चलो कैंप फायर बनाते हैं। तो ये मैंने बना लिया कैंप फायर। अभी हमें ऊपर चढ़ना है और कैंप फायर लगाना है। तो ये आ गए हम लोग ऊपर और इसकी जगह में लगाते हैं कैंप फायर। अरे ये ट्रैप डोर तो नीचे रह गई, ये कैंप फायर को कवर करना चाहिए। तो इसको सारे ट्रैप डोर मैं तोड़ती हूँ और कैंप फायर को कवर करती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे दिख रही है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने चिमनी पे थोड़ा सा डिजाइन भी बनाया है और ये चिमनी में धुआं भी आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी घर भी रेडी हो गई है। पीछे में भी मैंने काफी चेंजेशन कर दिया, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरे घर के पीछे में मैंने कैसे बनाया। तो मेरा घर पीछे से इस तरीके से दिख रहा है, अभी काफी सही लग रहा है। मैं आप लोग को अंदर से भी दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। तो गाइस ये देखो अंदर से ऐसा दिख रहा है मेरा हाउस। ऊपर में फ्लोर में भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से दिख रहा है, और ऊपर वाले फ्लोर में कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे काफी लाइटिंग भी आ रही है और अच्छी भी लग रही है।
तो गाइज आप लोगों को कैसी लगी ये हाउस? अगर ये हाउस अच्छी लगी तो आप लोग भी ऐसा घर बनाना और मुझे इंस्टाग्राम में पिक्चर भेजना। आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पता है ना, आई एम शेड ब्लेज। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो और दूसरे वीडियोस भी देखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।